तो यार कैसे हो? तो फिर से हम आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू इवेंट टॉपिक के वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में यूट्यूब रिलेटेड बहुत सारा जानकारी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आशीष चंचलिन के बारे में। आशीष चंचलिन ने एक दिन पहले उनका यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट अपलोड किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अभी जो इंडिया में कोरोना वायरस चल रहा है और ऑक्सीजन और मेडिसिन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ डोनेट करने का कुछ बातें बताया। और उसके ऊपर इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने एक पोस्ट अपलोड किया, जिसको आप देख सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को तो मालूम ही होगा, दो दिन से लोगों की बहुत हालत खराब है, लोगों की जान जा रही है, काफी लोग मर रहे हैं एंड कुछ लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो कुछ लोगों को दवाइयों की जरूरत है। कुछ दिनों से मेरी हेमकुंड फाउंडेशन के फाउंडर हरतीरथ से बात हो रही है एंड उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि उनको जितने भी डोनेशन आ रहे हैं वो उनको बहुत कम पड़ रहे हैं। दो दिन से मैंने डोनेट किया, मेरी फैमिली ने थोड़ा डोनेट किया, मैंने स्वाइप अप स्टोरी भी डाली थी दो दिन पहले, लोगों ने डोनेट किया लेकिन उनको काफ़ी नहीं पड़ रहा है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं अपना मतलब मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लोगों की फाइनेंशियल हालत ख़राब है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे जितने भी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं, ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, माई फ्रेंड्स फ्रॉम यूट्यूब, माई फ्रेंड्स फ्रॉम बॉलीवुड, माई फ्रेंड्स फ्रॉम द क्रिकेट फील्ड, मतलब आप लोग जो भी हो ना ये देख रहे हो, प्लीज़ डोनेट टू हेमकुंड फाउंडेशन और एनी अदर फाउंडेशन दैट यू नो एंड ट्रस्ट। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं हेमकुंड फाउंडेशन को जानता हूँ एंड वो लोग ग्राउंड रियलिटी पे जितना काम कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक मैंने किसी को काम करते हुए देखा है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं और डोनेशन दे रहा हूँ उनको। और इसके बाद राउंड टू हॉल ने आशीष चंचलिन का इंस्टाग्राम का पोस्ट का एक छोटा सा क्लिप लेके उनका स्टोरीज में डाला था और उसके ऊपर आशीष चंद्र ने थैंक यू भी जाना राउंड टू हॉल को। तो चलिए बढ़ते हैं अभी दूसरी न्यूज की तरफ। और वो जो दूसरी न्यूज है वो मेरे ऊपर है, इस चैनल के ऊपर है। क्या कि इस चैनल का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। इस चैनल से मैं आप यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड सारा न्यूज आप लोग को दूंगा, यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड सारा जो न्यूज है उसको मैं कवर करूंगा और मैं आप लोग को दूंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं जब भी ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग तुरंत देख पाओ। फिर अभी चलिए थर्ड नंबर न्यूज की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर न्यूज मानस दे के ऊपर है। एक्चुअली मानस दे ने दो दिन पहले उनका एक ब्लॉग चैनल पे वीडियो अपलोड किया, जिसके अंदर उन्होंने ब्लॉग चैनल का जो रेवेन्यू है उनको दिखाया। तो चलिए उस वीडियो का छोटा सा क्लिप हम लोग देख लेते हैं। सो हाय दोस्तों, आप सबका बहुत सारा कमेंट्स रहता है कि मनोज भाई आपका ब्लॉग चैनल में कितना इनकम होता है। तो गाइज आज को मैं आपका पूरा मेरे यूट्यूब चैनल का जो भी एनालिटिक्स है वो सारा डिटेल दिखाऊंगा कि कितना डॉलर बनता है कितना में और इस महीने का कितना इनकम है, पिछले महीने का कितना इनकम था। तो चलिए ओपन करते हैं YT स्टूडियो को। सो है गाइज, ये देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस महीने का मेरा इनकम देख सकते हो, लास्ट 28 डेज में $362 बना हुआ है और व्यूज़ है 1.4 मिलियन। तो इतना व्यूज़ में इतना बन गया है। बाकी मैं डिटेल अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ तो यहाँ मैं चलता हूँ तो कितने व्यूज़ में कितना बना है ये देख सकते हो। जैसे यहाँ 31,000 व्यू आया था 17 तारीख को और यहाँ पर डॉलर जो बना हुआ है वो है $11। तो आप लोग जोड़ लेना कि कितने व्यूज़ पे कितना डॉलर बन रहा है। तो गाइज आज मैंने फाइनली अपने चैनल का पूरा रिवील कर दिया है कि ब्लॉग चैनल पे कितना इनकम होता है। तो वहीं अप्रॉक्स $500 मेरा मंथली ब्लॉग चैनल से बन जाता है। तो यार बस आज का जानकारी यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। तो आज तो मैं पहला दिन है इस चैनल का न्यू कंटेंट, तो इसलिए मैं ज़्यादा न्यूज़ कवर नहीं किया हूँ, और भी बहुत सारा न्यूज़ है और वीडियो आते रहेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इस चैनल पे आप यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड सब कुछ मैं कवर करके आप लोग को दूंगा इस चैनल पे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रहेगा। जय हिंद। We'll be right back.